رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا سورة كهف मक्की सूरत है। इसके अंदर 110 आयतें हैं। सूरह कहफ को इस वजह से सूरह कहफ कहा जाता है कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबे कहफ का किस्सा बयान फरमाया। अस्हाबे कहफ यानी गार वाले मशहूर वाक़या है, और चूँकि कुरान मजीद कोई किस्से कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से ऐसे वाक़ियात का ज़िक्र फरमाया कि जिसमें रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए इबरत और नसीहत आमोज़ बातें हैं, तो उन क़िस्सों का ज़िक्र फरमाया ताकि लोग उनसे सबक हासिल करें। सूरह कहफ का शान नुज़ूल क्या है? सूरह कहफ के शान नुज़ूल के बारे में अहादीस और तफसीर के अंदर आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो कुरैश मक्का बड़े परेशान हुए, और उन्होंने दो शख्सों को जिनमें से एक का नाम उकबा बिन अबी मुईत लिखा हुआ आता है, मदीना भेजा यहूद के बड़े बड़े उलमा के पास कि आप यहूद के बड़े आलिम हैं, तौरात इंजील को जानते हैं, हमारे यहाँ जो ये एक शख्स हैं जिनका नाम मोहम्मद है, इन्होंने नबी और रसूल होने का दावा किया, आप इनके बारे में क्या कहते हैं, ये सच्चे हैं या झूठे हैं, तो आप हमें इनके बारे में बताएं ताकि हम कोई फ़ैसला कर सकें कि इनकी बात माने ना माने, क्या करें। चुनांचे ये दो शख्स मदीना गए, वहाँ जा कर के यहूद के बड़े बड़े उलमा के सामने मसला रखा, तो उन यहूदियों ने कहा कि आप उस शख्स से जा कर के जो नबूवत का दावा करता है 3 सवाल करें। कितने भाई? आप उससे जा कर के 3 सवाल करें, अगर वो 3 सवालों का जवाब सही तरीके से दे तो समझ जाना कि वाक़ियतन वो नबी और रसूल हैं, और अगर वो इनका जवाब ना दे पाए तो समझ जाना कि वो शख्स झूठा है। चुनांचे 3 सवाल ये थे। सबसे पहला सवाल था वयस अलूनक अनिर रूह, कि रूह क्या चीज़ है, हमें रूह के बारे में बताएं। दूसरा सवाल ये था कि गार वालों का क्या किस्सा है, वो कौन लोग थे। तीसरा सवाल ये था उस शख्स के बारे में बताएं कि जिसने मशरिक़ व मगरिब पूरी दुनिया का सफ़र किया, वो कौन था। ये 3 सवाल लेकर के भेजा कि अगर वो इन तीनों का तफसील से जवाब दे देता है, चूँकि ये वो किस्से थे कि जो तौरात व इंजील में लिखे हुए थे, या ये नस्लन बाद नस्लिन कहने सुनने से लोगों को मालूम हुए थे, ये हर किसी को किस्से पता नहीं था, तो अगर ये शख्स जो अपने आप को ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसी के पास इसने शागिर्दी इख्तियार भी नहीं की है, तो अगर ये तफसील से इनके बारे में बता देता है तो इसका मतलब ये है कि इन किस्सों के बारे में जो इसको बताया गया वो अल्लाह की तरफ से बताया गया है। चुनांचे वो किस्से लेकर के आए, वो ये सवालात लेकर के आए, और आकर के अपने सरदारों से कहा कि हम उनके पास गए थे, ये 3 सवाल उन्होंने रखे हैं, चलो सवाल करते हैं। चुनांचे मुशरिकी ने मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और ये कहा कि आप अपने आप को नबी कहते हैं तो हमारे 3 सवाल हैं, आप इनके जवाब दे दें। हुजूर ने पूछा बताइए क्या सवाल है, तो उन्होंने पूछा रूह किसे कहते हैं, गार वालों का क्या किस्सा है, वो कौन शख्स है कि जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सवाल सुन करके ये फरमाया कि अच्छा ठीक है, मैं इन सवालों के जवाब कल को दूंगा, क्योंकि पता तो आपको भी नहीं थे, आपको पहले से पता थोड़ा ही था, ना आप पढ़े लिखे थे ना कहीं और से सुना था आपने, तो आपने फरमाया कि मैं कल जवाब दूंगा, क्योंकि आपको यकीन था कि अल्लाह से पूछूंगा जिब्रील अमीन आएंगे। लेकिन अगला दिन गुज़रा, वही नहीं आई, दूसरा दिन गुज़रा तब भी वही नहीं आई, यहाँ तक के 15 दिन गुजर गए मगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए, और कुफार मक्का ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो कहता है अपने आप को नबी हूँ रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे गैब की बातें बताई जाती हैं, इनके बारे में तो पता नहीं, तो आप बड़े रंजीदा हुए। 15 दिन के बाद में जिब्रील अमीन इन 3 वाक़ियात की तफसील लेकर के नाजिल हुए, और साथ में पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक बड़ा अच्छा सबक सिखाया, और वो ये कि जब हम कोई काम करना चाहें तो साथ में इंशाअल्लाह कह दिया करें,
ये दरअसल हुजूर को तंबी और हुजूर के ज़रिए से पूरी उम्मत को ये सबक देना था कि देखें आपके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है, तमाम चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं, तो साथ में आप इंशाअल्लाह कह दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी काम के करने के वक्त में इंशाअल्लाह कह देंगे, इंशाअल्लाह का मतलब ये है अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, तो इसका एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि अगर कल को वो काम नहीं हुआ तो आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं भाई अल्लाह का हुक्म नहीं था, मेरे अपने इख्तियार में थोड़ा ही है, अल्लाह का हुक्म नहीं था, इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह ने चाहा। तो एक तो ये होगा, दूसरे ये है कि इंशाअल्लाह का मतलब ये है कि आप अल्लाह से मदद चाह रहे हैं उस काम के सिलसिले में, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस सिलसिले में बेहतरीन रहनुमाई तुम्हारी की जाएगी। ये सबक सिखलाने के लिए 15 दिन के बाद में वही नाजिल हुई और बाकायदा कुरान करीम की आयतों में ये कहा गया कि जब तुम्हें कोई काम करने का इरादा हो, इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला इंशाअल्लाह, कि जब तुम ये कहना चाहो कि भाई कल मैं ये काम करूँगा या ऐसा करूँगा, तो साथ में इंशाअल्लाह भी कह लिया करें। बहरहाल तीनों किस्सों की तफसील बयान की गई। सबसे पहला किस्सा था वैस अलूनकानी रूह, सूरह बनी इसराइल में इसको बयान किया गया, मगर चूंकि रूह का मसला ऐसा था कि जो हर किसी के समझ में नहीं आ सकता था, तो इसकी तफसील बयान नहीं की, इसकी तफसील बयान नहीं की गई। चूंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी इतने होने के बावजूद भी रूह के बारे में ये है क्या, आज भी वो लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो 800 से 1400 साल पहले जब टेक्नोलॉजी साइंस इतना नहीं था तो वो लोग कैसे समझ जाते थे? तो एक मुख्तसरन जवाब दिया गया, वैस अलूनकानी रूह, ए नबी ये आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का एक हुक्म है, बस सिर्फ इतना जवाब दिया गया। वमा उतीतु मिनल इल्म इल्ला क़लीला, मुझे बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, इतनी सारी तफसीलात मुझे नहीं बताई गई है, ए नबी आप कह दीजिए रूह मेरे रब का एक हुक्म है, जब तक वो हुक्म चल रहा है इंसान ज़िंदा है, जब मेरा रब का हुक्म ख़त्म होगा वो रूह खींच ली जाएगी और इंसान ख़त्म, बस इससे बढ़ कर के वो लिक्विड फॉर्म में है, हार्ड मटेरियल में है, दिखती कैसी है, उसको हम लोग छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, ये तमाम तफसीलात से गुरेज किया गया, इनको अवॉइड किया गया, चूँकि इसमें कोई समझ ही नहीं सकता है उसको कि वो एक्चुअली है क्या चीज़। तो पहले सवाल का जवाब दिया गया, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह मेरे रब का हुक्म है। फिर उसके बाद में असहाब कहफ का ये पूरा किस्सा नकल किया गया कि वो गार वाले थे, उनका क्या किस्सा हुआ क्या नहीं हुआ, जिसको भी तफसील से बयान किया जाएगा। तीसरा किस्सा था कि वो कौन शख्स है जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया, मशरिक व मगरिब का सफ़र किया, उसका आगे 17वें पारे के शुरू में जिक्र किया गया, वैस अलूनका अन ज़िलकरनैन, कि वो आपसे ज़ुलकरनैन के बारे में सवाल करते हैं। ज़ुलकरनैन आपने नाम सुना होगा, मशहूर बादशाह गुजरे हैं, बस के उलमा का इख्तिलाफ़ है कि वो नबी थे भी कि नहीं, अक्सर उलमा का कहना यह है कि वो नबी नहीं थे, बादशाह थे। वैस अलूनका अन ज़िलकरनैन, वो कौन शख्स था? तो बताया गया कि वो ज़ुलकरनैन थे कि जिन्होंने मशरिक व मगरिब का सफ़र किया, याजूज माजूज के लिए सद्द सिकंदरी उन्होंने कायम की और बहुत सारे उन्होंने काम काज किए, तो उसका 17वें पारे के शुरू में उसका जिक्र है। तो उनके बारे में बताया गया भाई ये वो शख्स हैं, जिससे उनको पता चला कुफ्फार को कि तीनों सवालों के जवाब दे दिए, तफसील से जवाब दे दिए गए, मगर वो कहते हैं कि जिसको मानना नहीं होता वो नहीं मानता है, वो फिर भी ईमान नहीं लेकर के आए। कहते हैं कि जब बिगड़ती है, जब जालिम की नीयत नहीं काम आती कोई दलील हुज्जत, तो वही बात है कि भाई जिसको नहीं मानना है आप लाख दलीलें दे दें, यहाँ तक कि हुजूर ने चांद के भी दो टुकड़े फरमाए मगर फिर भी वो जादू कह करके भाग गए। तो जिसको नहीं मानना होता वो नहीं मानेगा, आप चाहे लाख दलीलें दे दें। तो ये तीनों किस्सों को बयान किया गया। तो ये शान नुज़ूल है, बैकग्राउंड है कि सूरह कहफ़ क्यों नाजिल हुई। इसकी फजीलतों के अंदर ये आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह कहफ़ की पहली 10 आयतें याद कर ली या पढ़ी, बाज़ हदीस में है अखीर की 10 आयतें जिसने पढ़ ली, उसके सर से लेकर के कदम तक के एक नूर होगा। बाज़ हदीस में फरमाया गया कि जिसने सूरह कहफ़ की 10 आयतें पढ़ ली तो वो फितने से महफूज रहेगा। बाज़ रिवायतों में यह है कि जिसने सूरह कहफ़ पूरी पढ़ ली उसके लिए ज़मीन व आसमान तक का एक नूर कायम हो जाएगा। हज़रत अली करमल्ला वजहू से ये रिवायत है कि जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी, नंबर एक, एक जुमे से लेकर के अगले जुमे तक के अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए एक नूर पैदा फरमाएंगे जो खैर के कामों में उसके लिए रहनुमाई का काम करेगा, और दूसरे ये कि एक हफ़्ते तक के हर फितने से उसकी हिफाजत होगी, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आया, दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, तो अल्लाह तबारक व ताला उससे भी बंदे की हिफाजत फरमाएंगे। और रिवायतों में आता है कि ये वाहिद सूरत है जिसको मुकम्मल एक साथ में नाजिल किया गया, सूरह कहफ को पूरी की पूरी एक साथ नाजिल किया गया, और इसकी अजमत और फजीलत ये है कि जब सूरह कहफ नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते इसके साथ में नाजिल हुए जिसको लेकर के उतरे सूरह कहफ को।
इसलिए बिलखसूस जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने का एहतमाम करें। जुमे के दिन पढ़ने का मतलब ये है कि सुबह फजर से लेकर के, अगरचे उलेमा फरमाते हैं कि अगर कोई जुमेरात के दिन मगरिब के बाद पढ़ ले तो इंशाल्लाह उसको भी सवाब मिलेगा, चूँकि मगरिब से इस्लामी के अतबार से दिन शुरू हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि जुमे के दिन फजर के बाद से लेकर के असर की नमाज़ तक के, असर के बाद तक के, मगरिब तक के बीच में कभी भी पढ़ ले तो इंशाल्लाह उसे ये फजीलत हासिल होगी। अफजल वक्त ये है कि जुमे की नमाज से पहले या जुमे की नमाज़ के बाद पढ़ा जाए। इसको पढ़ने में जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी अगर पढ़ना चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट उसको लगेंगे, और फजीलत आप समझ लें कितनी बड़ी फजीलत है सूरह कहफ़ की। इसलिए एहतमाम करें कि सूरह कहफ़ को पढ़ा जाए। बहरहाल जो किस्सा इसके अंदर नकल किया गया, कहफ़ के माना है गार, गार के, इसी में एक लफ्ज़ और इस्तेमाल हुआ है रकीम। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, और बाज़ कहते हैं कहफ़ कहते हैं उस गार को जो बहुत अंदर तक के गहरा हो, और रकीम जिसके अंदर गहराई ना हो। तो चूँकि ये बाज़ नौजवान थे जो बादशाह वक्त के फितने से बचने के लिए एक गार में इन्होंने पनाह ली थी, इसलिए इनको असहाब कहफ़ कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं कि देखिए जितना कुरान करीम ने बयान किया किस्सा, सिर्फ़ उतने तक ही हमें मतलब रखना चाहिए। उससे अलावा की जो ऐसी बातें हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है उनके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे बादशाह कौन था वो जिससे बच करके भागे थे, मसला क्या हुआ था वो टाइम पे जिसकी वजह से बच के भागे थे, वो गार है कहाँ, वो शहर कौन सा था जहाँ का यह वाक़या पेश आया, इसके पीछे तो उलमा फरमाते हैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोगों के लिए कि भाई तुम ये सारी चीज़ें जानो। तुम्हारे लिए बस ये फ़ायदा है कि ये लोग अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह पर ईमान रखते हुए इन्होंने गार में पनाह ली थी जिसमें बहुत सारी नसीहतें हैं। तो बस इतनी बात जितनी कुरान करीम ने बयान की तुमको उतना ही उसी से जो है वास्ता रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, के तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने अपने बंदे पर इस किताब को नाजिल किया और इस किताब में कोई कजी और टेढ़ापन नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी ठीक ठीक रहनुमाई करती है ये किताब, इसमें कोई कजी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا। ये इस वजह से कुरान करीम नाजिल किया गया, ये किताब इसलिए नाजिल की गई لينذر, ताकि आप डराएं, सख्ती के साथ में डराएं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आफत और मुसीबत आएगी उन लोगों पर जो अल्लाह को नहीं मानते, और जो अल्लाह को मानते हैं उनको क्या करें, खुशखबरी दें। वयुबशिर अल्मुमिनीन, खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लेकर के आए, नेक अमल करते हैं, अन्न लहुम अजरन हसना, कि अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। मा किसी नफ़ीही अबदा, ऐसा बड़ा अजर, ऐसा सवाब जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا, और उन लोगों को भी डराने के लिए ये किताब है जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ औलाद है, यानी ईसाई जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया था, तो उनको डराओ, उनको बताओ कि ऐसा नहीं है जैसे तुम कह रहे हो, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। ऐसे ही यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहा था कि ये अल्लाह के बेटे हैं, तो यहूदियों को भी डराओ, ईसाइयों को भी डराओ, उनको बताओ कि सही वो नहीं है जो तुम्हारा अकीदा है, सही ये है अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसके यहाँ बेटा है, ना बेटी है, ना वो किसी का बाप है, ना कोई उसका बाप है। तो ये डराने के लिए है कि तुम क्या कर रहे हो, ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा रहे हो, इलाहियत में रब होने में किसी को शरीक ठहरा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, तो इनको डराओ ताकि ये डर जाएं। मालहुम बिही मिन इल्मिन वला लियाबाइहिम, ना तो इन्हें कोई इलम है, ना इनके बाप दादाओं को कोई इलम था, ये गलत फहमी के अंदर हैं, इन्हें नॉलेज नहीं है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं अल्लाह के ताल्लुक से। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो ये अपनी ज़ुबानों से निकालते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ औलाद है। इन यकूलून इल्ला कज़िबा, और ये लोग नहीं कहते सिवाय झूठ के, जो अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं ये सरासर झूठ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फ़लअल्लका बाख़िउ नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस यसफ़ा, इन आयतों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियत का, एक कैफियत का बयान किया गया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत देते थे तो वो ईमान नहीं लाते थे, तो बड़े हुजूर परेशान होते थे, अंदर अंदर घुटते रहते थे, मैं मेहनत करता हूँ, लोगों को जाकर के समझाता हूँ, फिर भी वो ईमान नहीं लेकर के आते। तो हुजूर से कहा गया, ए नबी, आपका काम सिर्फ लोगों तक दावत पहुँचाना है, उसकी वजह से आप कबीदा खातिर ना हों, रंजीदा ना हों, क्योंकि अल्लाह ने जिसके हक़ में हिदायत लिखी है
मोमिन वही बनेगा, ईमान वही लेकर के आएगा। तो आप परेशान ना हो, उसी को कहा गया फ़लअल्लक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम, कि अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या आप अपनी जान को हलाकत में डालेंगे, आप अपना गला घोंट लेंगे अगर वो नहीं मानेंगे। इल्लम युमिनू, नहीं ईमान लेकर के आएंगे, बिहाज़ल हदीस असफ़ा, आप पछताएंगे, आप अफसोस करेंगे क्यों नहीं ईमान लेकर के आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आपका काम सिर्फ समझाना है। इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल्लाहा लिनब्लुवहुम, और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़ेबो ज़ीनत की हैं। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ये इस वजह से है ताकि हम लोगों को जानें, हम समझें कि कौन इनमें पढ़ करके अल्लाह को भूल जाता है और कौन ऐसा है कि जो अल्लाह को याद रखता है। ये सारी चीज़ें आजकल जो भी इस वक्त हमारे सामने हैं, ये दुनियावी एतबार से ये पेड़ पहाड़ पौधे चरिंदे दरिंदे सारी चीज़ें, हर चीज़ क्या है, ज़मीन के लिए ज़ेबो ज़ीनत है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, यहाँ पर एक शक ये हो सकता है कि जी ये पेड़ पौधे, ये जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जो मूजी जानवर हैं, तकलीफ़ देने वाले जानवर है, जैसे सांप है, बिच्छू, अजदह है, कुत्ते और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये ज़ेबो ज़ीनत कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, तो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इनके अंदर तो जहर भरा हुआ है। उलमा फरमाते हैं कि असल में ये भी इंसानों के फ़ायदे के लिए हैं, ज़ेबो ज़ीनत हैं। कितने सारे जानवर ऐसे हैं कि जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, कितने जानवर ऐसे हैं, बल्कि सांप का जहर बहुत सारी बीमारियों के अंदर, उसमें अभी एक कीमोथेरेपी होता है, इसके अंदर क्या होता है, जहर ही होता है जिसके ज़रिए से उसका इलाज होता है कैंसर वगैरह का। तो बहुत ये सारी चीज़ें जिनको हम ये समझ रहे हैं कि ये तो तकलीफ़ देने वाली, इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या फ़ायदा है, वो मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ायदा रखा है। तो उसी को फरमा रहे, जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर आज हम देख रहे हैं, सब की सब ये ज़ेबो ज़ीनत हैं, और अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि हमें जांचे परखे इम्तिहान लें कि कौन इनसे फ़ायदा उठा करके अल्लाह को मानता है और कौन इन्हीं में पढ़ करके अल्लाह को भूल जाता है। वَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, और हमको करना है जो कुछ उस पर मैदान छांट करके है। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी दुनिया साफ मैदान बना दी जाएगी। इससे पहले भी ये साफ़ मैदान था, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाई हैं, ये पूरी कायनात पैदा की है अल्लाह तबारक व तआला ने, हर चीज़ इसके अंदर पैदा की है, नहीं तो ये चटिल मैदान था। एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फिर इसको चटिल मैदान बना देगा। हमने अपने आमाल के ज़रिए से इस पर आप बयारी और खेती बाड़ी करनी है, जो कल हमारे क़यामत में काम आएगी। फिर आगे असहाब कहफ का किस्सा शुरू हुआ है। अम हसिबता अन्न असहाब अलकहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि गार वाले और रकीम वाले वो हमारी निशानियों में से हैं। मैंने अर्ज़ किया, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि असहाब कहफ और असहाबुर रकीम, चूँकि यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, असहाबुल कहफ वर्रकीम, बाज़ कहते हैं कि ये दो अलग अलग जमातें हैं, असहाब कहफ अलग हैं, असहाबुर रकीम अलग हैं, मगर जमहूर उलमा का कहना यह है कि लफ्ज़ दोनों एक ही हैं और ये एक ही जमात के बारे में हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं, यह ख्याल करते हैं कि गार वाले पहाड़ वाले ये हमारे अजायबात में से हैं और ये कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की चीज़ है। जो ये सवाल इन्होंने आपके पास भेजा है, ये कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की चीज़ नहीं है, या कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि जिसको सवाल बना करके इन्होंने पेश किया है। उससे बड़ी अजीब चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना तगड़ा आसमान बगैर किसी सुतून के पिलर के खड़ा कर रखा है। अल्लाह ने पहाड़ बनाए हुए हैं कि जिनके ज़रिए से ज़मीन रुकी हुई है। अल्लाह ने ज़मीन बनाई हुई है जो पानी के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का ज़खीरा बनाया हुआ है जिसका पता नहीं किस चीज़ के ऊपर है। तो इससे बड़ी बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तुम सिर्फ इस बात पे ताज्जुब कर रहे हो भाई असहाबे कहफ कौन थे, इतने साल से यूं हुआ वो हुआ। तो फरमाया कि ये कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। अन्न असहाब अलकहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, हाँ हमारी निशानियाँ थी, अजीब चीज़ तो है लेकिन इतनी बड़ी भी अजीब चीज़ नहीं है कि उसे सवाल बना करके किसी के सामने रखा जाए। फिर उसका किस्सा क्या हुआ, इज़ अवल फितियतु इलल कहफी, जब चंद नौजवानों ने गार में पनह ली, फ़क़ालु रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, और वो कहने लगे ए रब हमारे हमें अपनी रहमत से ढांप लीजिए, वही इलना मिन अमरिना रशदा, हमारे जो मामलात हैं उसमें हमारी रहनुमाई फरमाइए, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ सिनीन अददा, तो हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गार के अंदर चंद सालों तक के, सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको दोबारा उठाया, उनको जगाया, लिनअलम अय्युल हिज़्बैन अहसा लिमा लबिथु अमदा, ताकि उनमें से बताएँ के सही मायनों में हम कितने ज़माने तक के सोते रहे। असल में उस किस्से की यहाँ से शुरुआत हुई है। किस्सा क्या हुआ, उलमा यूँ फरमाते हैं कि अगरचे तफसीलात में तो नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी बाज़ उलमा ने इसकी तफसील बयान की है, और वो ये है कि असल में ये जो असहाबे कहफ थे, ये अपने वक्त के जो सरदार बादशाह थे, ये उनकी औलादों में से थे,
लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसी को मिलती है। तो इन्होंने जब अपनी कौम के लोगों को ये देखा कि ये अपने ही हाथों से बुत बनाते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, कोई फ़ायदा तो इसका है नहीं, तो इनकी समझ में आ गया कि ये फालतू चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, ये उसकी इबादत कर रहे हैं जो ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। हमें तो इबादत उसकी करनी चाहिए कि जिन्होंने हमें बनाया, दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई। तो इसलिए हुआ यूँ कि एक मरतबा गांव का मेला लगा और उस गांव के मेले में, उस शहर के मेले में सब जा कर के अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के आगे जा कर के सर झुकाते थे, पूजा करते थे। ये लोग भी मेले में गए, मगर जब इन्होंने देखा यहाँ ये सारी शिर्क बुत परस्ती हो रही है, तो आहिस्ता से एक नौजवान उससे बाहर आ कर के एक पेड़ के नीचे आ कर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में दूसरा आकर के बैठ गया, उसके बाद में तीसरा आकर के बैठ गया। तो इस तरह आते आते ये लोग इकट्ठे होते गए, मगर आपस में कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि बादशाह वक्त जो था वो ख़ुद मुशरिक था, बुत परस्त था। अगर कोई उसके ख़िलाफ़ जाएगा या वो जिसकी पूजा करता है, इबादत करता है, अगर उसके बारे में कोई कुछ कहेगा तो जाहिर सी बातों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बैठे रहे, मगर इन्होंने आपस में तज़किरा नहीं किया कि हम यहाँ जमा क्यों हुए। जब काफ़ी वक्त हो गया तो काफ़ी वक्त के बाद में एक ने कहा हिम्मत करके, भाई हम सब लोग यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन क्यों बैठे हुए हैं, क्या वजह है? पूरी जो कौम है, बिरादरी है, शहर वाले हैं, वो तो फुला जगह मेले में जमा हैं, हम उनसे अलग थलग, हमें भी वहाँ खेलना कूदना चाहिए था, कामों में शरीक होना चाहिए था, हम यहाँ लगा करके क्यों बैठ गए हैं? तो एक ने हिम्मत करके कहा कि असल में ये जो कर रहे हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है, ये सही मायनों में वो नहीं है, हकीकत में तो हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए जिसने पूरी दुनिया कायनात बनाई। जब एक ने अपना दिल खोल के रख दिया, दूसरे ने कहा मैं भी इसीलिए आया हूँ, तीसरे ने कहा मैं भी इसीलिए आया हूँ। तो ये लोग ऐसे ही आपस में जमा हो गए और इन्होंने मशवरा किया कि हम जाकर के अपने कौम के लोगों को समझाएंगे। तो ये गए, जब मेला वेला ख़त्म हुआ, अपने घर वालों को, शहर वालों को इन्होंने समझाने की कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता, मगर वो लोग नहीं माने। और मुनाफिक अंदर के जो चोर होते हैं ना, टिपर वो हर जगह रहते हैं, है ना। वो किसी का मैं बयान सुनना था, वो कहते भाई नहीं तो पुलिस वालों को कैसे पता कि यार यूनिवर्सल में अंदर क्या हो रहा है, फुला महल्ले में, फुला बस्ती में अंदर क्या हो रहा है, पुलिस वालों को कैसे पता? हमारे बीच में ही ऐसे टिपर, ऐसे मुनाफिक लोग मौजूद हैं जो मुसलमान ही मुसलमान की टांग खींचने को, परेशान करने को तैयार रहता है। इसीलिए वो जैसे कोई मामला होता है फ़ौरन वो पहुँच जाते हैं, नहीं कोई जिब्रील थोड़ा ही आ रहे हैं उनके ऊपर वही लेकर के कि भाई फला जगह ये मामला हो रहा है। तो हमारे में ही टिपर मौजूद हैं। अल्लाह इस मुनाफ़क़त के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। वाकई ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद में किसी मुसलमान की आबरू रेज़ी है। आबरू रेज़ी का मतलब क्या है? किसी की इज़्ज़त को दागदार करना, किसी को बेइज्जत करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क के बाद में। अब बताइए, अगर आप किसी के बारे में जा करके पुलिस को टिप दे दें कि फुला जगह ऐसा हो रहा है और यूँ हो रहा है, वूँ हो रहा है, काम सही है, दुरुस्त है, शरीय एतबार से सब कुछ सही है, मगर दूसरे को परेशान करना है, बहरहाल बात कहीं की कहीं और चली जाएगी। तो टिपर लोग थे, उन्होंने बादशाह को जाकर के कान भर दिए कि ऐसे ऐसे कुछ नौजवान हैं जो हमारे जो अकीदा है, शिरकिया जो अकीदा है, उसके खिलाफ इस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो बादशाह वक्त ने इनको बुलाया, हाँ भाई क्या मामला है? तो इन्होंने बादशाह को भी दावत दी, उनको भी समझाने की कोशिश की बादशाह को, मगर बादशाह नहीं माना। और उसने ये कहा कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कत्ल कर देता, मगर चूँकि तुम नौजवान हो, तुम फ्यूचर हो, हमारा भविष्य हो, तो इसलिए तुम्हें समझने का एक मौका हम देते हैं, अच्छे से समझो बूझो और हमारे दीन की तरफ वापस लौटाओ, नहीं तो फिर आखिर में तुमको कत्ल करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा समझने सोचने का मौका दीजिए, फिर हम बात करते हैं। चुनांचे वहाँ से मोहलत मिली और ये सारे के सारे वहाँ से उठ कर के आकर के उस गार के अंदर आ गए जिस गार का जिक्र है। उस गार के अंदर ये आ गए और वहाँ आ करके ये जैसे ही लेटे आराम करने की गर्ज से, अल्लाह ने फ़ौरन इनके ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया। उसे का जिक्र है, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फिल काफ़ी सिनीन अददा, कि हमने उनके कानों के पर्दों को बंद कर दिया। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, क्योंकि आदमी जब सोता है सबसे पहले उसकी आँख बंद होती है और सबसे आखिर में उसके कान बंद होते हैं। जब कान बंद हो गए तो वो बिल्कुल गहरी नींद में चला गया, और उठने के टाइम पे सबसे पहले कान बेदार होते हैं, फिर बाद में आँख बेदार होती है। यही वजह है कि आँख बंद रहती है, लेकिन अगर कुछ ज़रा सा खटका हुआ, कान में आवाज़ पड़े, आदमी फ़ौरन बेदार हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने कानों के पर्दों को ही बंद कर दिया। जब कान के पर्दे बंद हो गए, अब कोई अगर पास आकर के ढोल भी बजाएगा तो भी बंदा नहीं उठेगा। वो कहते हैं ना कुंकरण जो है वो 6-6 महीने सोता था, वो तो उसको उठाने के लिए जो ना ढोल बजाए जाते थे, हालांकि इससे कहानियाँ आएँ। तो जब कान बंद हो जाएंगे मुकम्मल तरीके से, फिर कुछ भी हो रहा हो फिर आदमी को सुनाई नहीं देगा। तो अल्लाह ताला ने हिकमत बयान फरमाई। देखिए कैसे साइंस जो आज ये तहकीक कर रहा है ना, ये सारे के सारे कुरान करीम के अल्फाज के अंदर हैं। ये हमको मालूम हो रहा है अल्फाज में कि भाई आदमी के जैसे ही कान बंद हुए सोने में, फिर वो दुनिया से बेखबर,
बिल्कुल गफलत के अंदर है, और सबसे आखिर में आदमी के कान बंद होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके कानों पे हमने पर्दा डाल दिया, उन्हें कोई आवाज़ नहीं आएगी, चींचा शीशा नहीं आएगी, और वो बेदार नहीं होंगे एक लंबे ज़माने तक के, वो सो गए। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल काफ़िसीन अददा, एक लंबे ज़माने तक उनको सुलाया गया। कुरान करीम की आगे आयतों में है कि 309 साल एक ज़माने के बाद में जब वो बेदार हुए हैं तो उन्होंने आपस में पूछा, भाई कितनी देर सोए थे हम? तो किसी ने कहा कि मेरे ख्याल से दिन का आधा हिस्सा। किसी ने कहा नहीं, सिर्फ़ एक दिन हम सोए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि वो 309 साल तक सोए रहे हैं। इनको सुलाने में भी अल्लाह की हिकमत थी, इनको जगाने में भी अल्लाह की हिकमत थी। जब जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था दकियानूस। उसी से ये कहावत चली है, यार क्या दकियानूसियत है, ये दकियानूसियत का ज़माना थोड़ा ही है, ये दकियानूसी ख्यालात का है। तो ये अचल जो है, ये असल में ये वहीं से नाम पड़ा है। वो जो बादशाह था उसका नाम था दकियानूस, और वो पुराने ख्याल यानी वही शिरक बुतपरस्ती वाले ख्यालात थे उसके, ज़माने जाहिलत वाले ख्यालात थे उसके। तो उस वक़्त वो बादशाह था, फिर उसके बाद में हालात बदले, इन्होंने जो दावत का सिलसिला शुरू में शुरू किया था, इनके जाने के बाद में कुछ लोग समझे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे, अम्बिया भेजे, और एक सिलसिला चलता रहा। जब ये इतने लंबे ज़माने के बाद में जागे, उस वक़्त का जो बादशाह था वो था मुसलमान, उसका नाम बैदूसीस, उलमा ने ज़िक्र किया है बैदूसीस। पहले ऐसे ऐसे नाम थे यार उनका प्रोनाउंसेशन भी नहीं होता है सही तरीके से। तो उस वक़्त वो मुवाहिद बादशाह था, और उस वक़्त मसला ये चल रहा था कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है कि नहीं होना है। तो एक बड़ा तबका ऐसा था कि जो बास बादल मौत का इनकार कर रहा था कि मरने के बाद में दोबारा ज़िंदा नहीं होना है, बस ये ज़िंदगी है, बाद में कुछ नहीं है। तो वो बादशाह बड़ा परेशान था, चूँकि मुवाहिद था, बाद वाला बादशाह जिसके ज़माने में ये बेदार हुए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये मौजज़ा दिया कि इनको ज़िंदा किया, और फिर इनमें से एक शहर में खाना लेने गया, जैसे आगे आ रहा है किस्से में। और फिर देखे यार ये तो पुराने ज़माने के सिक्के कहाँ से आ गए। तो बादशाह के पास खबर भेजी गई कि लगता है इनके हाथ में कोई ख़जाना लगा है, दफीना हाथ लगा है। इनको बादशाह के पास बुलाया गया, तो इन्होंने देखा है ये क्या, ये तो 309 साल हो गए हैं, उस वक्त तो कोई और बादशाह था। तो उस वक्त इन्होंने अपना पूरा वाकया किस्सा बयान किया, सबूत पेश किए, तो फिर सब लोगों को जो है यकीन आया कि नहीं वाकई ये 309 साल के बाद में उठे हैं, तो वाकई मरने के बाद दोबारा ज़िंदा भी होना है। और अल्लाह ने जब इनको सुलाया तो जो वो वक्त का बादशाह था उसके फितने से इनको बचा लिया। तो इनकी सुलाने में भी हिकमत थी, इनके उठाने में भी हिकमत थी। अब एक मसला ये रह जाता है कि जी ये गार है कहाँ, ये गार जिसमें ये वाक़या पेश आया ये गार है कहाँ। अगरचे यही कहते हैं कि भाई पीछे नहीं पड़ना चाहिए इसके कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन बाज़ सहाबा का वहाँ तक पहुँचना या बाज़ लोगों का वहाँ तक पहुँचना साबित है, उन्होंने देखा है, इसलिए बहुत सारे इख्तलाफ़ है। लेकिन तीन जगह ऐसी हैं जिनके बारे में किसी हद तक, चूँकि हदीस में इसका कोई कतई यकीनी ज़िक्र नहीं है, बल्कि बाद के लोगों ने जो वहाँ तक पहुँचे, अपना तजुर्बा बयान किया, जिन्होंने देखा उन्होंने नकल किया है, तो तीन जगह ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद यही वो जगह हैं कि जहाँ पर असहाब कहफ का ये गार है। उनमें से एक तो कहते हैं कि एला, अक्सर मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यही जगह है, फ़लस्तीन के अंदर एक जगह है। चूँकि अक्सर अम्बियाओं का जो सिलसिला रहा है वो फ़लस्तीन के अंदर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं नाज़िल हुए थे। अच्छा, और ये जो असहाब कहफ थे ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही के मानने वाले थे, तो इससे पता यह चलता है कि ये उसी इलाके के थे, ये उसी एरिया के थे। तो और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ है फ़लस्तीन में, उनकी वालदा मरियम वो बैतुल मुक़द्दस की खादिमा थी। तो एला एक जगह है जो फ़लस्तीन के अंदर है, तो कहते हैं कि ये गार वहाँ है। बाज़ कहते हैं कि ये एशियाई कोचक में कोई गार है जो इस वक्त के अतबार से अनातोलिया के अंदर है, तो अनातोलिया के अंदर ये कोई एक गार है। और बाज़ कहते हैं कि ये स्पेन के अंदर है, गरनाता एक इलाका है, एक जगह है अंदलुस के अंदर, इस वक्त के अतबार से स्पेन के अंदर, तो कहते हैं कि वहाँ पर यह गार है। क्योंकि बाद लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने गार देखे, उसमें इस तरह के वहाँ पे उनको हड्डियाँ भी मिली, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि डम्मी और मम्मी उनको वहाँ पे मिली हैं इस तरह की। तो उससे उन्होंने कहा कि शायद यही गार हो, शायद यही गार हो। बल्कि अमीर मुआविया के ताल्लुक से एक वाक़ नकल किया जाता है कि जब वो एक मरतबा फ़लस्तीन के इधर इलाके में गज़वे के लिए वो आए थे, गज़वे के लिए आए थे, तो उन्होंने उस गार के अंदर दाखिल होना चाहा। गालिबन इब्ने अब्बास या किसी साहबी ने मना किया कि भाई हुजूर ने इस सिलसिले में जब कोई तफसील बयान नहीं की है और अल्लाह ने उनका पर्दा रखना चाहा है तो बेहतर यह है कि तुम ना जाओ। ये कहने लगे नहीं जी मैं तो जाऊँगा, बड़ी तारीख़ और हिस्ट्री कहानी है तो मैं तो जाऊँगा, देख करके आऊँगा। लेकिन जैसे ये गार में घुसने लगे अल्लाह ने एक आंधी तूफ़ान ऐसा भेजा कि जिसने इनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया, इनको उठा करके बाहर फेंक दिया। तो असल में आज भी वो सीगा राज में ही है, लेकिन ये तीन जगह ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये वो जगह हो सकती हैं। तो बहरहाल ये है उनका।
क़िस्सा, अब ये तर्जमा पढ़ लेते हैं जी। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, तो ये कुफ़ार मुशरिकीन ने सवाल किया था, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनका तुम्हें क़िस्सा बताते हैं, सच सच हम सही सही बताएंगे। इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लेकर के आ गए थे। फितयतुन के माना है नौजवान। उलमा फरमाते हैं कि असल में नौजवानी का ज़माना ही ऐसा है कि जिसमें आदमी अपने मामलात, आदत व अखलाक, अकायद में चेंजिंग कर सकता है। एक ज़माना होता है बचपन का जिसमें वो माँ बाप को, अपने घर के माहौल को देखता है, वैसा ढल जाता है। एक आता है जवानी का ज़माना कि अल्लाह ताला उसको शूर सलीका अता फरमाते हैं, उस वक़्त अगर उसमें वो कोई चेंजिंग करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाता है फिर चाह करके भी उसे कोई नहीं बदल सकता है। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़ों के जो पुराने अकायद चले आ रहे हैं ना, दुनिया इधर की इधर हो जाए, कितनी तुम उसे कुरान की बातें, हदीस की बातें सुना दो, वो नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। अभी इद्दत के ज़माने में एक वाक़या है हमारे यहीं का, इद्दत के ज़माने में बोले आसमान से भी पर्दा है। इद्दत से पहले हैं नंगे सर पूरे बाज़ारों में फिरते हैं, लेकिन इद्दत के ज़माने में आसमान से भी पर्दा है। इद्दत के ज़माने में घर में जो शीशे हैं ना अलमारियों के, उनको भी पर्दे से ढक दिया गया कि उसमें अपना चेहरा ना दिखे। खिड़कियां सारी बंद कर दी गई, खिड़कियों पे पर्दे लगा दिए गए। बताइए ये कुरान और हदीस है क्या? शरीयत ने इतना पाबंद किया क्या? गला घोंट के मारने के इरादा थोड़ा ही है। तो पुराने जो लोग हैं ना उनके सामने तुम कितनी हदीसें बयान कर दो, वो नहीं बदलेंगे वो। तो यहाँ फितयतुन का लफ्ज़ जिक्र किया गया कि भाई ये नौजवानी का ज़माना ऐसा है कि इसमें जो बदलना चाहे बदल सकता है, चेंजिंग करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए ख़ासकर नौजवानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मुखातब करके कहा, इबादत के एतबार से, निकाह के एतबार से, बहुत सारे मामलात के एतबार से नौजवानों को ख़ास तौर से मुखातब किया है, क्योंकि यही आगे चल करके बूढ़े बनेंगे, यही कौम की रहनुमाई करेंगे, उम्मत की रहनुमाई करेंगे। तो नौजवानी का ज़माना, इसको बड़े हिफाजत के साथ में और बड़े समझ और शोर सलीके के साथ में रखना है। तो कहते हैं कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लेकर के आ गए। वज़िदना हुम हुदा, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता फरमाई, समझ में ज़्यादती अता फरमाई। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। इज़क़ामू, जब वो खड़े हुए, यानी जब बादशाह ने बुलाया था उनको, तो उसके सामने खड़े होकर के डट करके उन्होंने हक बात कही थी बादशाह के सामने। फिर उसने कहा ठीक है मोहलत है तुम्हें, फिर ये भाग करके गार में आ गए थे। इज़क़ामू, जब वो बादशाह के सामने खड़े हुए, फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी, और उन्होंने देखो दलील दी है कि हमारा रब ये बुत नहीं है बल्कि रब्बुना, हमारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, ज़मीन व आसमान का रब है। लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन, हम उसके अलावा किसी को माबूद नहीं मानेंगे। लक़द क़ुलना इज़न शतत, अगर हम किसी और को माबूद मानेंगे तो ये तो अक़ल से बड़ी दूर बात है, बेअक़ली की बात कह रहे हैं ये तो हम। हाउलाई क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी कौम के बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा बहुत सारे माबूद ठहरा लिए हैं। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तान बय्यिन, जैसे हमारे पास दलील है ऐसे ये भी दलील लेकर के आएँ कि ये इनके रब कैसे हो सकते हैं जो ना बोल सकते हैं ना खा पी सकते हैं ना ये खुद अपने आप मोहताज हैं कि अगर मक्खी इनके ऊपर बैठ जाए उसको उड़ा नहीं सकते हैं तो ये कैसे माबूद हो सकते हैं। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर तोहमत बांधे, झूठ बांधे। व इज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अव इलल कहफ़ यन्शुर लकुम, जब इन्होंने ये देखा कि कौम के लोग समझने को तैयार नहीं, बादशाह भी समझने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि ऐसा है अब तुम इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो, अब तुम लोगों से भी और उनके ये जो मुशरिक माबूद हैं उनसे भी किनारा कशी इख्तियार कर लो। इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको ये पूछते हैं। फ़ाउ इलल कहफ़ी, चलो गार के अंदर चलते हैं। यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, अल्लाह ताला तुमको ढांप लेगा अपनी रहमत से। वयुहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे मामलात में, तुम्हारे तमाम कामों में अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्तगी पैदा फरमाएंगे। देखिए इन्होंने यहाँ पर गार के अंदर पनाह लेने को इख्तियार किया है। उलमा फरमाते हैं कि ये तकरीबन तमाम अंबिया की सुन्नत रही है, इसे कहते हैं हिजरत। क्या कहते हैं? हिजरत, कि जब किसी इलाके में दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ से हिजरत करके ऐसे इलाके में चले जाना कि जहाँ पर अल्लाह के अहकाम पर, दीन पर अमल हो सके। ये तकरीबन हर नबी ने किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है, लूत अलैहिस्सलाम ने किया है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किया है, यहाँ तक कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अमल किया है कि जब मक्का में रहते हुए लोगों को समझाना और दीन पर अमल करना मुश्किल हो गया तो मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाए। ऐसे ही इन लोगों ने किया कि जब वहाँ पर दीन पर अमल करना मुश्किल हो गया तो इन लोगों ने गार के अंदर पनाह ले ली। तो आज भी यही हुक्म है कि अगर कोई इलाका, कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पे रह करके आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बहाना ना बनाएं, बल्कि किसी ऐसे दूसरे इलाके के अंदर चले जाएँ कि जहाँ पर आज़ादी के साथ में अल्लाह की इबादत कर सकें। यहीं पर एक और मसला मेरी तरफ़ से, बाज़ लोग ऐसी जगहों पे जॉब करते हैं कंपनियों में कि जहाँ नमाज़ वगैरह की इजाज़त नहीं होती, लोग ये सवाल भी करते हैं।
कि जी क्या करें, हमें कंपनी में इजाज़त नहीं है नमाज़ पढ़ने की। याद रखिए, अगर आप वक्त पर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं तो आप कल को ये अल्लाह को जवाब नहीं दे सकते हैं कि या अल्लाह मैं तो दुनिया कमाने में लगा हुआ था और काम भी जॉब भी ऐसी उसमें करता था कंपनी में कि वहाँ नमाज़ की इजाज़त नहीं थी। ये जवाब आपका वैलिड नहीं होगा। तो उलमा फरमाते हैं कि आप या तो परमिशन लें, जैसे भी मुमकिन है, या तो परमिशन लें, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आप ऐसी जगह को छोड़ दें, जॉब को छोड़ दें। ये ना सोचे यार इतनी अच्छी जॉब है क्या करूँगा, ये जॉब भी अल्लाह ने दी है, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ेंगे इससे बेहतर जॉब भी अल्लाह तबारक व ताला आपको अता फरमाएंगे, दिलवाएंगे। पिछले दिनों एक वाक़ नकल किया था कि दाढ़ी की वजह से तकरीबन 10 करोड़ रुपये किसी को मिले, शायद अमेरिका वगैरह जो है कहीं का किस्सा था। तो एक बंदे को निकाल दे इस वजह से कि उसने दाढ़ी रखी हुई थी, तो उसको निकाल दे कि भाई तुमने दाढ़ी रखी हुई है। ये अभी हाल ही का वाक़ा है, कुछ सालों पहला, और ये टेररिज्म दहशतगर्दी की अलामत, दहशत गर्द लोग रखते हैं, तो उसको निकाल दिया। उसने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल किया उसने कि ये गलत रीज़न देकर के मुझको निकाला गया है। 2-3 साल तक ये केस चला। अब ये तो कहते हैं ना कि अगर किसी में कुछ बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है, वहाँ की अदालतों में एक ही अच्छाई है कि इंसाफ करेंगे तो इंसाफ ही करेंगे। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि पैसे के ऊपर बिकाऊ है, जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया फैसला उसके हक़ में। तो कहते हैं केस चला, 2-3 साल चला गया, और कोर्ट की तरफ से बाकायदा उसे इंसाफ मिला और ये कहा कि तुमने गलत रीज़न दे करके इसको निकाला है, लिहाजा पनिशमेंट में और 2-3 साल तक जो है बेरोज़गार रहा है उसका मुआवजा अदा करो। तकरीबन 10 करोड़ रुपये उसको मिले। तो किसी ने उस पर उनवान लिखा था कि अल्लाह ने दाढ़ी की बदौलत देखे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अगर वो 3 साल नौकरी करता तो भी इतना नहीं कमा सकता था। तो इसलिए सिर्फ ये उज़्र बना लेना कि यार यहाँ कंपनी में नमाज़ की इजाज़त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देखिए रोज़ी का मालिक अल्लाह है। जब आपका किसी चीज़ के ऊपर यकीन मजबूत होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए आप कोई काम करेंगे, किसी को छोड़ेंगे, ये हमारा यकीन है और होना भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर अता फरमाएंगे। तो सूरह कहफ़ के अंदर इस तरह की बहुत सारी हिकमत की बातें हैं, नसीहत की बातें हैं। इंशाल्लाह जो इस आगे का है वो इंशाल्लाह कल।